चलिए चलिए, बाप रे बाप, देख रहे चक्का बैठ गया गाइस। सामने में देख सकते हैं कितना गलत पैसेंजर बैठ गया है। मोटरसाइकिल का हवा सांस फूल रहा है, इतना लोड दे दिया, बाप रे। देख लीजिए आप लोग, ये होता है कलकत्ता का राइडिंग। तो गाड़ी का नंबर प्लेट भी घघरा से झाँप के रखा है गाइस। कहीं कुछ भी होगा तो पकड़ाएगा नहीं, पुलिस देखेगा तब बताएगा इसको। कैसे क्या राइड कर रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस, देख रहे हैं। ये रहा आप लोग का कालीघाट, वहाँ से निकले तो मुझे धमका धमकाया साला भाई। हाँ आइए ना, आपको दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, बाप रे बाप, देख रहे चक्का बैठ गया गाइस। सामने में देख सकते हैं कितना गलत पैसेंजर बैठ गया है। मोटरसाइकिल का हवा सांस फूल रहा है, इतना लोड दे दिया, बाप रे। देख लीजिए आप लोग, ये होता है कलकत्ता का राइडिंग। तो गाड़ी का नंबर प्लेट भी घघरा से झाँप के रखा है गाइस। कहीं कुछ भी होगा तो पकड़ाएगा नहीं, पुलिस देखेगा तब बताएगा इसको। कैसे क्या राइड कर रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस, देख रहे हैं। ये रहा आप लोग का कालीघाट, वहाँ से निकले, देख सकते हैं। ओहो, यहीं पे लगाते हैं गाइस। हाँ, इस साइड में चलेगा इस। फाइनली हम यहाँ से निकल गए हैं, देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं बस उस यहाँ पे लगा हुआ। अरे भाई, अरे भाई, देख रहे हैं। उड़िए 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 उड़िए। तो गाइस अभी हम राइड करने के लिए निकले हैं, तो आप लोग से एक बात करना है। तो गाइस ज़रूर आप लोग मेरा रिक्वेस्ट को मानिएगा, क्योंकि इतना बारिश हो रहा है और इतना मौसम ख़राब है। अभी निकले थे घर से गाइस, देख सकते हैं इतना मतलब हो गया ऐसा कि मत पूछो। और वीडियो में आया था शूट करने के लिए, तो कल से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, मैं कर ही नहीं पाया मोटो ब्लॉग, कल निकल नहीं पाया घर से। और आज थोड़ा मौसम अच्छा था, सुबह बारिश हो रहा था और अभी थोड़ा दोपहर में अच्छा था, तो अभी मैं निकला थोड़ा देर पहले। तो गाइस अभी इतना जोर बारिश अभी हो रहा था उधर, अभी उधर से इधर आए, इधर नहीं हो रहा, थोड़ा हो रहा है। तो गाइस फंस गए हैं बारिश में, देख सकते हैं। तो आप लोग से कहना चाहते हैं गाइस, मैं साइकिल से मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, एक साइकिल को मोटो ब्लॉगर को आप लोग इतना सपोर्ट दीजिए कि ये भी एक KTM पे आ जाए। तो गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिए इस बंदे को, और ज़्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। और मैं साइकिल से मैं मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप लोग मेरा मोटिवेशन को समझ सकते हैं कि कितना मैं मोटिवेशन मतलब मेहनत करता हूँ चैनल पे। साइकिल से मैं निकल जाता हूँ मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए, और इतना आदमी मेरे को बोलता है कि क्या करता है बे बेवकूफ़ का जैसा पागल चौदा, तुम मोबाइल लेकर कैमरा लेकर घूमते रहता है, टाइम वेस्ट करता है, कुछ तुम दूसरा चीज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, गाइस जानता नहीं है यूट्यूब के बारे में। तो गाइस मैं वो लोग को मैं बता सकें और बोल सकें कि देखो आज मैं यही चीज़ कर रहा था, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो गाइस आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए इतना। तो चलिए अभी हम चलते हैं इधर राइड करने के लिए। और ये देख सकते हैं, ये आ गया कालीघाट का, ये ममता बनर्जी का घर, क्योंकि ये देख सकते हैं इधर सिग्नल है, सिग्नल पर रुकना ही होगा, सिग्नल है। एक सेकंड, चलिए गाइस, चलिए चलिए भैया चलिए, 00। ये हो गया 00, तो हम यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि हर सिग्नल को गाइस मानना पड़ता है, ऐसा नहीं है। साइकिल से अगर आप कर रहे हैं राइडिंग, तो गाइस आपको बड़ा बड़ा सिग्नल मानना होगा, अगर नहीं मानेंगे तो आपका नुकसान है इसमें, इसमें उसका नुकसान नहीं है। क्योंकि गाइस फाइनली जैसे कि मान लीजिए बड़ा बड़ा सिग्नल है, तुम नहीं पार की, नहीं माने पार कर गया, अगर गाड़ी आया एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बड़ा सिग्नल है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा गाड़ी चारों तरफ से आता है, तो आपका नुकसान हुआ ना। तो इसीलिए छोटा सिग्नल है, देखो गाड़ी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे तुम चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं माना तो चलेगा, लेकिन बड़ा सिग्नल आपको मानना ही होगा। अगर नहीं माने तो गलती आपका होगा, नुकसान आपका होगा, सब चीज़ आपका ही, पेनल्टी आपका भी लगेगा। तो मज़ा आ रहा है, कैसा आ रहा है ये ब्लॉगिंग गाइस ज़रूर बताइएगा। पीछे से गाड़ी आ रहा है और सामने में सिग्नल है,
तो गाइस मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे स्लो होना होगा, क्योंकि देख सकते हैं बहुत बड़ा ट्रैफिक में फंस गया जाम में, और कितना देर के लिए तो पता नहीं, रुकना होगा। अरे भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गया क्या। चलिए धीरे धीरे चलिए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, निकलिए निकलिए धीरे धीरे आस्ते। ऐसे नहीं करने से गाइस आपको चिपेड़ देगा, बीच में घुसेगा ना, बस वाला देखेगा नहीं, बड़ा है थोड़ा सा भी लगेगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, फटाक से चिपेड़ देगा बीच में। तो गाइस देख सकते हैं रोड जब अच्छा है तो उसमें क्यों लगा दिया, देख रहे हैं ड्राम लाइन में ही ये बस लगा, कहाँ जा रहा पता नहीं। तो गाइस हम इतना वीडियो मैं बनाने में मेहनत करता हूँ, एडिट करता हूँ, टाइम नहीं मिलता है, एक दो घंटा जब मेरे को टाइम मिलता है तो गाइस हम ये वीडियो बनाते हैं, सोते नहीं हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, खाना खाते हैं, जैसे तैसे मैं भागता हूँ। तो गाइस आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए, और मेरा मेहनत आप लोग को दिख रहा होगा, और फेसबुक पे उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, फिर भी करते हैं जाके आप लोग फेसबुक पे सुपर मीटा ब्लॉग को आप लोग कीजिए जाके सपोर्ट, फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे रील्स देखिए जाके, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं अभी मौसम ख़राब है और हम अभी निकल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हम सब कुछ करके निकले थे घर से, खाना वाना खा के और राइड पे, और दो बार कॉल आ चुका है मौसम ख़राब हो गया, घर आ जाओ, तो मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ा सा खींच लेते हैं क्योंकि जल्दी जाना है ना, क्योंकि मौसम ख़राब आ रहा है, क्या बताऊँ। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये क्या ये क्या, यहाँ पे थाना है लग रहा है, कोर्ट वोट छुट्टी हो रहा है, पुलिस का कोर्ट कोर्ट है यहाँ पे, मतलब समझ लीजिए थाना, कौन सा क्या बोलता है ना गाइस, थाना है यहाँ पे और जेल भी है यहाँ पे, तो अदालत होता है इसीलिए वहाँ पे भीड़ था। और अभी गाइस बज गया ना 5, तो ये लोग का सबका हो गया छुट्टी, और ये लोग सब सारा जा रहा घर अपना अपना। मैम क्या हाल है, आप लोग ज़रूर बताइएगा हाल सुनकर, इधर से भी निकलने का है, उधर से भी निकलने का है, दोनों तरफ से निकलने का है, ये सब चीज़ में जो झमेला में पड़ा है रोज का आना जाना, इसको खिलाओ उसको खिलाओ, ये करो ये करो, अच्छा होता है ये सब चीज़ होना चाहिए, और रूल्स रहना चाहिए, फॉलो नहीं करता उसके लिए ठीक है, जो रूल्स फॉलो करता है, जो ज़्यादा चर्बी ज़्यादा गर्मी हो जाता है उसको ठीक करने के लिए है, बेस्ट है मेरे लिए। तो चलिए गाइस अभी हम टर्न लेते हैं यहाँ से लेफ्ट में, और हमको अभी 10 किलोमीटर और जाना होगा। अरे बाप रे बिल्डिंग फोड़ फाड़ हो रहा है, अभी पत्थर लग जाता मेरे को, इधर से गिरा, कितना स्पीड में निकलता है ये लोग कि मत पूछो, कितना स्पीड में, हेलमेट पहना रहता है ना, भेजर गिरा हुआ गिरा देता है, और स्पीड में चलता है, पानी आओ या चाहे धूल आओ या मिट्टी आओ उससे कोई मतलब नहीं, ये लोग को एकदम रनिंग में चलता है, बाइक रहता है, और जो फोर व्हीलर से चलता है चारों गिलास कांच का उठा के चलता है, बंद करके चलता है, अंदर में नहीं पानी धूल मिट्टी कुछ नहीं जाएगा, आराम से बारिश हो कुछ भी हो आंधी आओ तूफान आओ उससे इस लोग को मतलब नहीं, आराम से जहाँ से शुरू होगा जहाँ एंड करना रहेगा वहाँ ये लोग पहुँच जाएगा चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे कुछ काम कीजिए कि जैसे कि मुकामिल हासिल कर लेगा। तो गाइस हम फैंसी अभी हम हाँ निकलिए, गाइस ना पीछे से हॉर्न मार रहा था एक बंदा, हम ब्लॉग शूट कर रहे थे उसका नज़र पड़ गया, तो इतना ज़ोर ज़ोर से हॉर्न मार रहा था, उसका बोलने का मतलब क्या था हम समझ नहीं पाए, ठीक है। तो चलिए गाइस और मैं आ गया घर फाइनली, थोड़ा देर के बाद पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए बस ऐसा ऐसा जगह पर ट्रैफिक में मारता है ना लोग,
कि धजिया उड़ा देता थोड़ा से के लिए। ये लोग देखता नहीं है, राइड करता, कौन लाइसेंस देता है पता नहीं, आई डोंट नो। चलिए गाइस हम भागते हैं फटाफट। अरे यार अभी रूबी अरबाना जाना होगा।